हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। जो आज की जो वीडियो है वो है एपीसी का एसआरसी 6000 मॉडल के ऊपर। ये आप देख पा रहे हैं इसके पीएचडीआर, ठीक है, ओडीबो कार्ड लगे हुए हैं। तो एक बार फ्रंट दिखा दूँ आपको। तो जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, इस कोने वाले अगर कोने से स्टार्ट करते हैं, जो दो कार्ड एक जैसे लगे हुए हैं, ये जो दोनों कार्ड लगे हुए हैं, ये इसके चार्जर कार्ड है, ठीक है जी, जो बैटरी चार्ज करते हैं, ठीक है। ये इसका स्टैटिक कार्ड है, ठीक है। आपको बाईपास सप्लाई चाहिए या फिर आपको इन्वर्टर की सप्लाई चाहिए, ये डिसाइड करता है, ठीक है। और प्लस आपकी इनपुट वोल्टेज रेंज में है या नहीं है, या इनपुट में किस तरह का वेरिएशन है, तो ये कार्ड भी सेंस करता है। ये सारा कुछ दिखाता है, फ्रिक्वेंसी अब नॉर्मल है या किसी तरह की डिस्टॉर्शन है, या आपकी इनपुट प्रॉपर नहीं है, तो ये भी सामने डिस्प्ले में दिखाता है, ठीक है। तो ये आउटपुट का या इनपुट का कार्ड कह लीजिए आप, स्टैटिक कार्ड बोल लो उसको, ठीक है। ये इसके चार्जर हो गए। अब ये बचता है इसके पीएचडीआर। तो पीएचडीआर में ये तो कंट्रोल कार्ड हो गया इसका, इस पर लगा हुआ कंट्रोल कार्ड है। और ये जो सेक्शन है इस कार्ड में कोने वाला, ये बोला ये इसकी एसएमपीएस पावर सप्लाई है, इसकी सिक्स मोड पावर सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये जो तार लगी हुई है बड़ी, ये वाली अभी फिलहाल मशीन चल रही है, ये जो तार है ब्लू और ब्राउन, तो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये बैटरी वोल्टेज वहाँ से उठा कर इधर आ जाती है, इधर बैटरी वोल्टेज को स्विच कर ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये हमारा वो लगा हुआ है, स्विचिंग मोफर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारी सप्लाई बनती है एसएमपीएस की, फिर वो सप्लाई को आगे रूट कर आगे जहाँ पर जरूरत है उसको वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, सप्लाई को डाला जाता है। ये सप्लाई जो है देखिए, इधर से सीधी चार्जर से आउट से आ रही है, चार्जर का जो आउटपुट है, चार्जर की आउटपुट है सीधी वहाँ से आ रही है, ठीक है। तो जो बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव ये रखता है इधर, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, ठीक है। तो ये बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ आता है, ठीक है जी। तो जो उसके चार्जर रहते हैं वो हाई बूस्ट पे काम करते हैं। ये जो बीच में तार लगी हुई ये वाली यहाँ पे, ठीक है, ये वाली वायर वाइट और रेड, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये यहाँ पर चार्जर पे आ जाती है, ठीक है जी। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आउटपुट के न्यूट्रल के साथ अगर इसकी बस वोल्टेज चेक करनी है, तो आउटपुट के न्यूट्रल के साथ आप यहाँ पर रेड वाली पे लगा लो, चाहे ये वाइट पे लगा लो, चाहे इधर मिलती इधर लगा लो, ठीक है। तो आपकी बूस्ट वोल्टेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप इसकी, ठीक है जी। बाकी जो बच गए इसमें, एक बाकी जो बचा हुआ है, जो हीट सिंक बचा हुआ है, ये हीट सिंक बचा हुआ है, ठीक है। इसकी हीट सिंक पे आधे पे इसके लगे हुए हैं G30 and 60 नाम की एक्टिविटी लगी हुई है, जो बूस्ट में काम करती है, और आउटपुट में 25 and 120 जो इसके इन्वर्टर की एक्टिविटी है। इस तरह से देखेंगे नहीं, ठीक है, दूसरी तरफ दिखाता हूँ। और साथ में डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, बूस्टर और इन्वर्टर। तो थोड़ी सी बड़ी इसलिए बड़ी है ये वाली हीट सिंक, इसमें मेन के केस में जब चार्जिंग बनेगी, मेन के केस में आपको जब TFC काम करनी है, उसको TFC को क्या कहते हैं, काम करने के लिए थायरिस्टर लगे हो यहाँ पर तीन, ठीक है। तो तीन थायरिस्टर इधर स्टार्टिंग में लगे हैं, फिर आपके तीन बूस्टर के हैं, फिर डायोड है, उसके बाद चार जो आपकी IGBT रहेंगी, सॉरी बूस्टर पे इसमें IGBT लगी हुई है विदाउट डायोड वाली, और इन्वर्टर में हमारे IGBT लगी हुई है। फ्यूज आउटपुट पे लगा हुआ है, ये फ्यूज मेन TFC पे लगा हुआ है, वो जो दो फ्यूज़ हैं ये बैटरी पॉजिटिव पे लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें इसकी ये साइड थी डाउन वाली, ये साइड यहाँ पर दिख रही थी इसकी, एक साइड की बूस्ट प्रॉपर वोल्टर नहीं बन पा रही थी, तो वो हो गया जी, ओके, ठीक है जी। तो अभी ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो बताना जी किन किन ने ये रिपेयर किया हुआ और क्या क्या दिक्कत मिली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।